बड़े बड़े लोग आपके चरणों में खिंचे क्यों आते हैं, कौन सा जादू या मंत्र आपके पास है वो हम सबको बता दीजिएगा। मेरा सबसे बड़ा उपाय रहता है कि हमारे भक्तों के पास जो भी धन है वो कोई पाप की कमाई नहीं है, वो कोई जुए की कमाई नहीं है, कोई डाके की कमाई नहीं है, वो जन्म जन्म के पुण्य की कमाई है। और मेरा भाव रहता है इनके पुण्य के एक पैसे का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, एक पैसे का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और आज तक कोई भी दाता जिन्होंने दान दिया है, आज वो कोई भी नहीं कह सकते मेरे दान का दुरुपयोग हुआ, उनके जीते जी ही उनके दान का सदुपयोग उनको दिख जाता है। लोग कहते हैं कि आम का पेड़ कोई लगाता खाते दूर हैं, कोई दूसरे लोग हैं। हमारा चमत्कार यही है अमित बाबू, लोगों की कहानी है कि पेड़ आम कोई बोएगा खाएगा कोई। मैं ऐसे ग्राफ्टेड आम तैयार किए हैं कि वही बोएगा और वही खाएगा, अपने सामने दान बोलेगा, अपने सामने ही वह दान को सदुपयोग देख लेता है, कार्य करते देख लेता है। दुनिया देख रही है कि महाराज के आशीर्वाद से जहाँ दान दो वो स्पष्ट देखने में आता है, समाज को उसका फल मिलने लग जाता है, समाज खुद अपनी आंखों से देख लेती है कि हमने जो दान दिया था वह सामने देखने में आ रहा है। बस यही मूल कारण है, बाकी ना मेरे पास जादू है ना मेरे टोना है। महाराज जी, पूरे भारतवर्ष की समाज एक चीज जान चुकी है कि पूज्य सुधा सागर जी महाराज के पास एक चोखा खेत है, यहाँ पर यदि बीज बोएंगे तो फसल बहुत अच्छी होने वाली है।